अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आपने भेड़िए को मुर्गियों का रखवाला बना दिया, आ एक मर्द को आपने औरतों का बच्चियों का रखवाला बना दिया, तो वो तो भेड़िया है। उसने तो देखना है कि किस तरह से मैंने इनको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, मिस यूज़ करना है। एक एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहाँ जाहिर बात है आप वेटिंग तो कर नहीं सकते। वेटिंग का मतलब होता है कि आप हर एक का पहले पूरी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, जी इनके माँ बाप कैसे थे, ये लड़कियाँ कैसी थी, इन्होंने पहले तो कोई बेहूदगी नहीं की। हमारे बच्चियाँ हमारे लड़के हर वक्त क्या देखते रहते हैं, स्नैपचैट, गाने, लड़कियाँ नाच रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, गानों की आ रही हैं, वो समझ नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। आज से 20-25 साल पहले लोग कहते थे एयर होस्टेसेस बहुत ख़राब होती हैं, सारी एयर होस्टेसेस ख़राब हैं। 40 साल पहले कहते थे सारी नर्सेस करप्ट हैं। अब आ गया सब स्टूडेंट करप्ट है। अब आप कहाँ जाएं? अभी तक हम लोग तो तेरे मेरे तोशाखाना की घड़ी पे ही लगे हुए हैं। हम लोगों को किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं है। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान, लाला रुख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल आता है जो पूरी कौम को हला कर रख देता है। तालीमी तारीख का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसमें हज़ारों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हुई। हज़ारों लड़कियां ऐसी थी जिनके वालदैन ने उनकी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों इतनी ज़्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर किया गया, खुफिया कैमरे लगाकर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की गई, और वो कौन सी लड़कियां थीं जिनको गाड़ियों की डिग्गियों में बंद करके ले जाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ ही अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अतूब अलैहि। अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में ऐसा हो सकता है तो फिर बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा। बात ये है, बात ये नहीं है कि ये स्कैंडल चूँकि ये नज़र में आ गया है तो आप लोगों को पता लगा है। हर यूनिवर्सिटी में स्कैंडल्स होते हैं। हमारे वक्तों में भी लड़के लड़कियां इश्क माशके करते थे। माँ बाप तालीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए हैं, बहुत ज़्यादा जो खींचते हैं वो इसीलिए कि वहाँ जाकर उनकी सही से उनकी हिफाजत नहीं होती। अगर हिफाजत करने वाला ही अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि आपने भेड़िए को मुर्गियों का रखवाला बना दिया, आ एक मर्द को आपने औरतों का बच्चियों का रखवाला बना दिया, तो वो तो भेड़िया है। उसने तो देखना है कि किस तरह से मैंने इनको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, मिस यूज़ करना है। इसके अंदर जब तक कि ये एक बहुत बड़ा ग्रो ना हो, ये काम आसानी से नहीं हो सकता। ये छोटे लेवल का काम नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल का काम है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रो इस सारे वाक्य के पीछे हो सकता है? देखिए, उस इलाके के जो बड़े पॉलिटिशियंस होंगे वो उन्होंने तहफ़ दिया होगा, उनके बच्चे होंगे, जवान बेटे होते हैं घरों में। अभी हमने कितने ड्रामे देखे हैं, अभी एक वो जो ऊपर से नौकरानी को धक्का दे देते हैं रेप करके, इतने ड्रामे बनाए हैं। लेकिन बात यह है कि दरअसल हकीकतन कौन किसको परवाह है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये कहीं से एक इसका धागा पहले एक उधरता है तो ये सारा हमारा निज़ाम उधरता है। कोई एक दो कहते हैं ना, वो एक सेब होता है जो सारी टोकरी को गंदा कर देता है। एक एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहाँ जाहिर बात है आप वेटिंग तो कर नहीं सकते। वेटिंग का मतलब होता है कि आप हर एक का पहले पूरी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, जी इनके माँ बाप कैसे थे, ये लड़कियाँ कैसी थी, इन्होंने पहले तो कोई बेहूदगी नहीं की। वहाँ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में तो सबसे ज़्यादा वो लोग फिर उनको होता है कि जितनी एडमिशन होती है उतनी ज़्यादा करो। अब तुमने मुझे बताया कि कितनी हज़ार वहाँ स्टूडेंट्स थे? 65,000 स्टूडेंट हैं और 5,500 वीडियोज़ लीक हुई हैं। 65,000 स्टूडेंट्स को केयर टेकिंग क्या कैसे कर सकते हैं आप? क्या हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर को बिठाया हुआ था? तो 650 टीचर्स तो उनके पास होंगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये आती है कि हमारे घर में तालीम और तरबियत क्या हो रही है। हमारे बच्चियां हमारे लड़के हर वक्त क्या देखते रहते हैं, स्नैपचैट, गाने, लड़कियां नाच रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, गानों की आ रही हैं, वो समझ रही है, कोई चीज़ ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बता कर भी करूं कि मैं घर में सब फ्रेंड्स बैठी ढोलकी की तैयारी कर रही है और कोई उसमें वीडियो बना भी रही है तो माइंड नहीं करता कोई भी। उनको क्या पता कि छुपे कैमरे लगे हैं, हिडन कैमराज भी हैं। एक बड़ी मशहूर फिल्म थी 9mm, उसमें ले जाके बच्चियों को इसी तरह अगवा करके उनको रेप किया जाता है। तुमने
जो मैंने देखा इसमें, जो मैंने पढ़ा, लड़कियों को गाड़ियों की डिग्गियों में बिठा कर ले जाया गया, बाहर भी ले जाया गया, सप्लाई भी किया गया। देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेशे हैं हमारे मुल्क में जिनको हमेशा बुरा कहा गया। आज से 20-25 साल पहले लोग कहते थे एयर होस्टेसेस बहुत ख़राब होती हैं, सारी एयर होस्टेसेस ख़राब हैं। 40 साल पहले कहते थे सारी नर्सेस करप्ट हैं। अब आ गया सब स्टूडेंट्स करप्ट हैं। अब आप कहाँ जाएँ? आखिर तालीम तो लोग चाहते हैं ना अपने बच्चों को। और फिर उन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी देखी। देखो सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप ने इस लफ्ज़ इस्लाम पे इतना एतमाद और एतिकाद किया कि उन्होंने अपनी बच्चियों को वहाँ छोड़ा। और अगर वहाँ भी गंद हो सकता है तो फिर तो कोई जगह सेफ़ नहीं है। ये ऐसे ही है खुदा ना ख्वास्ता, जैसे आप कहें कि अल्लाह ना करे कोई किसी मस्जिद में रेप करे, ठीक है ना। तालीमी इदारा मस्जिद से कम नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा ये बात कि हज़ारों लड़कियों को यूनिवर्सिटियाँ छुड़वा ली गईं वालदैन की तरफ से। शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग जल्दी इन चीज़ों पर अमल करते हैं, तो उन लड़कियों का क्या फ्यूचर होगा? आप क्या कहती हैं, आप क्या देखती हैं, आपने इस पर क्या रिसर्च की है? मैंने ये देखा है कि देखें इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो गंदी चीज़ें हैं, वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं। इनका हमारे यहाँ है नेपरा है, कंट्रोल है, ठीक है। अगर यूट्यूब के ऊपर आपका इतना कंट्रोल नहीं है तो फिर भी एजेंसीज़ हैं जो इनको फौरन ब्लॉक करती हैं। अगर वो अपने कामों को फौरन ब्लॉक करते हैं ना, अपने गुनाहों को, अपने गलत कामों को, तो उनको चाहिए कि ये वीडियोज़ फौरन ब्लॉक करें, भले वो एक दिन के लिए पूरे पाकिस्तान का बंद कर दें, सारे ये जो जैज़ वारिद जोंग सबको बंद कर दें। मैं ये जानना चाहूँगा कि इन सारे स्कैंडल्स और इन सारे स्कैमों से यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ कैसे महफूज रह सकती हैं? ऐसे महफूज रह सकती हैं कि उनको घरों से बताना चाहिए, उनको टीचर्स को बताना चाहिए, उनको लेक्चर मिलने चाहिए, यूनिवर्सिटी में कमरे जो होते हैं उनकी चेक्स होने चाहिए, पुलिस को महीने में एक दफ़ा, आपको पता है स्कैन करो तो आपको पता लग जाता है कैमरा कहाँ लगा हुआ है। कैमरा छोटे कैमरे भी, इतने इतने कैमरे भी आते हैं, लेकिन वो डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान इस चीज़ पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। वो तो अभी तक हम लोग तो तेरे मेरे तोशा खाना की घड़ी पर ही लगे हुए हैं। हम लोगों को किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं है। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, हम बसें बना रहे हैं, बसों की किसको ज़रूरत है भाई? हम लोगों को स्कैनर्स की ज़रूरत है। मेरे स्कूल में किसी लड़के ने मजाक किया, जो भी किया, फ़ोन कर दिया कि जी बम रखा हुआ है। एग्ज़ाम से बचने के लिए कोई भी बच्चा फ़ोन कर सकता है। अननोन नंबर से कॉल आ गई, जी स्कूल में बम है। अब स्कूल में 50 कमरे थे, ठीक है। अब क्या आया, एक गाड़ी आई, उसमें से 6 पुलिस वाले उतरे, हम सारे बाहर ग्राउंड में खड़े हो गए। एक बुड्ढा बाबा, वो जो पीसी के बाहर नहीं एक स्कैनर लेता, वो जो गाड़ी के नीचे ऐसे करता है टू 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 वाला, वो एक आदमी 50 कमरों में कितनी देर लगाएगा चेक करने हर जगह के यहाँ बम है या नहीं है? बम डिस्पोजल स्क्वाड नहीं है हमारे पास, फॉरेंसिक नहीं है हमारे पास, कैमरा डिटेक्टर नहीं है हमारे पास। हमारी पुलिस रिश्वत खा खा के घर बना रही है, बंगले बना रही है, गाड़ियां ले रही है, इनको गाड़ियां दी जाती हैं, बिजली फ्री, गैस फ्री, घर फ्री, हर चीज़ फ्री। देखो जिस मुल्क में आदमी लोगों को, तुम मुझे बताओ कौन सा मुल्क है जिसमें लोग फ्री दे रहे हैं? कोई मुल्क नहीं है। अमेरिका में तनख्वाह दी जाती है, आप उस तनख्वाह में रहते हो। UK में तनख्वाह दी जाती है, फ्री घर किसको मिलता है? आपको पता है वहाँ जो काउंसिल के घर होते हैं वो किस कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं जैसे ये फ्लैट है, दो छोटे से कमरे दिए जाते हैं, यहाँ पर महल दिए जाते हैं। हमें हमारे मुल्क की डायरेक्शन ही जब गलत है, जब बड़े लोग जो पावर में बैठे हैं, जब उनको सिर्फ अपनी चोरी चकारी नज़र आ रही है, तो उनको किसी की इज्जत क्या नज़र आएगी? ये सारे वाक़यात में आपको लगता है कि सिर्फ इंतज़ामिया मुलव्वस थे या लड़कियों का अपना भी हो सकता है इसमें मामला? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कमाहा में रह रही थी, आप वहाँ भी मेरे पास आए थे, आपने वहाँ देखे थे छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे, वहाँ भी बड़े स्कैंडल्स हुए, किसी की बेटी भाग गई, किसी की बीवी भाग गई। एक दिन हमारे हमसाए, वो मियाँ बीवी बहुत लड़ते थे, उनकी बीवी मेरे घर आ गई और उसने कहा कि जी मेरा मियाँ मुझे बहुत मारता है, 3 बच्चों की माँ थी, मगर वो जीन्स और टाइट शर्ट्स पहनती थी और ख़ुद मेकअप करती थी। हम सबको पता था कि वो ज़रा आवारा मिजाज की लड़की है। वो मेरे घर आके कहने लगी कि मुझे बचा ले, वो मुझे मार रहा है। मैंने 15 को फ़ोन किया, मैंने डॉल्फिन बुला ली फ़ौरन, डॉल्फिन वाले 4 बंदे आ गए, उन्होंने पूछ पूछ की मियाँ से भी बीवी से भी, उनको वहाँ से हमने निकलवा दिया, उनको हमने सुलह कराई। मैंने कहा तुम कहीं भी मुझे डिफेंस छोड़ाएं, फलाने के घर, मैंने कहा नहीं, तुम कानूनी तौर पे मियाँ के पास वापस जाओगी, वहाँ तुम्हारा मियाँ तुम्हें जिसके पास छोड़ कर आए, हमारा मसला नहीं।
उसके बाद हमें पता लगा कोई और जगह पीछे की लड़कियां हैं, वो आती हैं, मोबाइल उसके पास नहीं है, वो उसको मोबाइल देती है। मेरा ठेकेदार मोबाइल लेके जाता था, महल्ले की लड़कियां उसको आती थी, भाई ज़रा मोबाइल दे दे, मैंने अब्बू से बात करनी है, अम्मी से बात करनी है। ये तो हर जगह चल रहा है भाई, जवानी जब आती है ना, ये 16 और 22 के दरमियान, 25 के दरमियान जो क्यों लोग जल्दी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, जवानी दीवानी, ठीक है, हर जगह हो रहा है ये, मगर इस स्केल पर और इतना इंतहा से ज़्यादा एक बुरा वो दिया इन्होंने। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने हम अब हर यूनिवर्सिटी को में भेज, मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी गई हूँ। मेरे बाप सख्त खिलाफ था यूनिवर्सिटी के, को एजुकेशन के, वो कहते थे लड़के लड़कियों के साथ पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, होती ही नहीं है, आप एक क्लास में जब बैठते हो तो अकमटक के ज़रूर चलते हैं। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, लेकिन इसको लोग कंट्रोल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। टीचर्स विजिलेंट होती हैं, प्रिंसिपल्स विजिलेंट होते हैं, काउंसलर्स रखे जाते हैं। आपको लगता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का किरदार भी है? लेकिन लॉज ही नहीं है इस मुल्क में, तो गवर्नमेंट का किरदार तो है ही है ना। और सबसे बड़ी बात है, इदारे, अगर इदारा है भी तो इदारे के पास कोई पैसा ही नहीं है, आप किसको क्या ब्लेम देंगे। चलन जी, लाला रुख साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया, कौम की बच्चियों पर उंगलियां उठने लगी हैं, इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं, कौन सी बड़ी शख्सियत बहावलपुर की सियासी शख्सियत इसमें शामिल है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में। अल्लाह हाफिज़।